मूवीज़ की क्वांटिटी भले ही कम हो वीडियो में, पर क्वालिटी उससे 100 गुना ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ 5 फिल्में लेकिन सब एक से बढ़कर एक। एक बार अगर आपने मूवी शुरू कर दी तो ख़त्म किए बिना रह ही नहीं पाओगे। आखिर के 4 फिल्में यूट्यूब पर और पहली वाली हॉटस्टार पर अवेलेबल है। किसी का दर्द मिल सके, I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a भी skip नहीं करना चाहोगी। 2017 में रिलीज हुई आखिरी बाजी। मूवी की कहानी फॉलो करती है हमारे 4 एक्टर्स को जिनके ऊपर शक है 5 करोड़ की कार की चोरी का। स्टोरी प्रेजेंटेशन शानदार है मूवी की। 5 एक्टर्स की एक्टिंग भी एकदम नेचुरल है। और मूवी की सबसे बड़ी खास बात है, मूवी हमें थोड़े से समय के लिए भी बिल्कुल बोर नहीं होने देती। नंबर 4 की मूवी की वजह से ही आज बाहुबली और RRR जैसी मूवी पैन इंडिया रिलीज हो पाई। याद रखे 2016 में आई मक्खी। मूवी की स्टोरी आधारित है जॉनी के ऊपर, जो मरने के बाद मक्खी बनकर रिवेंज लेता। मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक है और इसका VFX कतई है। और अब मैं जो 3 मूवीज बताने वाला हूँ वो किसी भी मामले में हॉलीवुड से कम नहीं है। इस मूवी के टॉपिक के बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2017 में रिलीज हुई सूरबीर 2। सर ये पैरेलल लाइफ क्या सच में होता है? इसकी कहानी 2 लवर्स को फॉलो करती है जिन्हें एक दिन अचानक पता चलता है कि उनकी लाइफ 2 लोगों की लाइफ से एकदम पैरेलल है। मूवी की स्टोरी एकदम यूनिक और एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखती है। पर इतना यूनिक कॉन्सेप्ट होने के बावजूद मूवी कई कई जगह स्लो लगती है। तो फिर ध्यान से सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ। आपको किसी मूवी में अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ क्रिएटिविटी चाहिए तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। ए, तुम लोगों को यहाँ कौन लेके आया? 2019 में रिलीज हुई ASN मतलब एडवेंचर ऑफ श्रीमान। लाइन खजाने के इर्द गिर्द लिखी गई है जो अचानक एक दिन गायब हो जाता है। मैं कंप्लेन फाइल करने पुलिस स्टेशन गई थी, तुम वहां ताला लगा के यहां दारू पी रहे हो। मूवी की स्टोरी में जैसे क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया गया है वो कमाल का है। खेले तो हजारों चाल। रक्षित शेट्टी का कैरेक्टर और मूवी का BGM आपको हफ्तों तक याद रहेगा। नंबर 1 की मूवी को देखने के बाद आपको बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में भी फीकी लगने लगेगी। 2018 में रिलीज हुई अंतर्युद्ध। 6 कहानी आपस में एक साथ जुड़ी हुई है। मूवी की स्टोरी तो कमाल की है ही, साथ ही साथ ये आपके दिमाग के साथ भी खेलती है और इसकी एंडिंग आपको हिला कर रख देगी। पर शायद बहुत से लोगों को इस मूवी की एंडिंग समझ में नहीं आएगी।
ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।